कला की प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त राम भक्तों को आमंत्रित करने के लिए भेजे गए अक्षत कलश का हरिद्वार में अलग अलग जगहों पर स्वागत हुआ। हरिद्वार के जगजीतपुर से कलश पूजन के साथ राम भक्तों को आमंत्रित किया गया। कलश के स्वागत के साथ जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। विशेष कलश पूजन के बाद जगजीतपुर से यात्रा शुरू कर मिसरपुर, पंजरहेडी, अजीतपुर, जियापोता, कटारपुर से होते हुए फेरूपुर, धनपुरा, पदार्था, रानी माजरा, शाहपुर के पश्चात बादशाहपुर शिव मंदिर पर विराम दिया गया और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हरिद्वार वासियों को आमंत्रण दिया गया। रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ संस्थान की ओर से पूजित अक्षत कलश वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। वहीं इस यात्रा में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती गई, जिससे कि हजारों की संख्या में राम भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। वंदे मातरम जय श्री राम के जयकारों से मानो आकाश भी गूंज उठा हो। अक्षत कलश यात्रा के भव्य आयोजन पर अंकुर सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 500 वर्षों के पश्चात ये दिन हम सभी के सामने आया है, इसीलिए सभी उत्साहित हैं। वहीं दूसरी ओर जीवेंद्र तोमर और विनीत चौहान ने बताया कि इस कड़ी तपस्या के पश्चात हम सभी के लिए ये दिन एक उत्सव के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसके लिए सभी राम भक्त उत्साहित है और भगवान श्री राम के नव निर्मित अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रफुल्लित है। यात्रा को सफल बनाने के लिए धर्मेंद्र चौहान, सोनवी पाल, बबलेश चौहान, निशु सैनी, गगन सैनी और हिमांशु सैनी ने मुख्य भूमिका निभाई। देखिए, हम सब के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि सैकड़ों सालों से जो हमारे पूर्वज थे, उनका जो समर्पण था, जो उन्होंने अपने प्राण को त्यागा है, आज उसके रूप में, मतलब आने वाली पीढ़ियों के रूप में, जो आने वाली सदियों तक ये 22 जनवरी का दिन यादगार रहने वाला है, इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। और 22 जनवरी का दिन प्रतिवर्ष दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं 140 करोड़ देशवासियों का जो सपना था वो साकार हुआ है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी के लिए आह्वान किया है कि प्रत्येक मंदिर में दीपक जलाए जाए, प्रत्येक घर में दीपक जलाए जाए और दीपावली की तरह इस पर्व को बहुत ही खुशी से मनाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि देश के सभी लोग, देशी नहीं विदेश में भी हमारे जो सनातन भाई रहते हैं, वो भी 22 जनवरी के दिन को दीपावली पर्व की तरह मनाएंगे। हम ये कहेंगे क्योंकि 500 वर्ष बाद जो ये बाबर ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई थी और जो पूरे भारत के हिंदू ने, विश्व के हिंदुओं पर, ये भारत भूमि पर, श्री राम जन्मभूमि पर जो कलंक लगा हुआ था इतने 500 सालों पहले से, तो वो कलंक को धो करके अब बड़ी महिमा मंडित पूरे हिंदू समाज में इतनी जागृति और इतना उत्साह होन है कि 500 वर्ष पहले का जो कलंक था उसको मिटा करके और वहाँ पर पुनः भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसका 22 जनवरी को उद्घाटन जो है। तो हमें ये जो अक्षत वहाँ से आए हुए हैं इसको लेकर के बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह और बड़ी ही उमंग के साथ, उत्साह के साथ हम घर घर जाकर के जैसे इनको देंगे और वहाँ पर दीपक जलाने की भी, यानी प्रत्येक हिंदू में योजना कम से कम 5 दीपक प्रत्येक हिंदू के घर में जले, बाकी ज़्यादा उसकी इच्छा है। और उस दिन जैसे दीपावली मनाते हैं, जैसे लंका में जाकर के रावण का वध करके सीता माता को राम जी लाए थे और दीपावली दीपोत्सव मनाया गया था, तो ये 500 वर्ष का कलंक जो मिटा है उसके उपलक्ष्य में ये 22 जनवरी दीपोत्सव के तौर पर भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और अक्षत को हम घर घर पहुंचा करके श्री राम, जय जय राम का आज से ही उनको कि इसका जाप करना और ये जो अक्षत है इनको अपनी पूजा में रखना। देखिए, आज एक भव्य अक्षत कलश यात्रा जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले जो है अक्षत पूजन होता है, इसी प्रकार अयोध्या के अंदर 5000 कुंटल अक्षत का पूजन हुआ था और संतों ने तय किया कि ये अक्षत पूरे देश भर में घर प्रत्येक घर घर दिए जाएंगे। उसी अक्षत के हरिद्वार आने पर ये कलश यात्रा निकाली जा रही है और वो कलश यात्रा जगजीतपुर खंड की जगजीतपुर से प्रारंभ हुई थी और कलश यात्रा में प्रशासन का पूर्ण सहयोग रहा है और इसी कलश यात्रा आज समापन के बाद कल से 1 तारीख से 15 तारीख तक प्रत्येक घर में हिंदू समाज और संगठन के कार्यकर्ता इन अक्षतों को बांटने का काम करेंगे और प्रत्येक हिंदू परिवार को निमंत्रण देंगे कि वो एक बार अयोध्या अवश्य आए। ये भाई साहब, जो हमारा लगभग 500 सालों का एक संघर्ष रहा है, तो अभी हमारा पिछले साल एक हमारा जो समर्पण राशि का एक हमारा समय चला था कि उसमें हमने समर्पण राशि इकट्ठी की थी, अब उसी के उसमें ये प्रसाद स्वरूप वहां से अक्षत
जो पूजित अक्षत है, ये अयोध्या में कई पूज्य संतों द्वारा पूजे गए अक्षत है और पूरे देश भर में ये अक्षत पहुंचाए जा रहे हैं और पूरे घर घर तक ये अक्षत पहुंचाने की एक योजना है। उसमें अक्षत के साथ एक राम जी का राम मंदिर का चित्र और एक उनके लिए निमंत्रण पत्र, ये पूरी योजना अभी जनवरी के प्रथम 15 दिनों में चल रही है। उसी के तहत ये जो हमारे अक्षत पूजे हुए अक्षत हैं, ये प्रत्येक क्षेत्र में एक शोभा यात्रा के द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं। उसी के तहत हमने अपनी जगजीतपुर की जो अपनी शोभा यात्रा है, ये जगजीतपुर अम्बेडकर पार्क से शुरू करते हुए बादशाहपुर शिव मंदिर में समापन इसका किया है। ये जो हमें पूजे हुए अक्षत हम अपने घर घर तक पहुँचाएंगे, इसके कई महत्व हैं। जैसे हम प्रसाद स्वरूप कभी कहीं किसी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद स्वरूप लाते हैं, उसका कई प्रयोग करते हैं, भाई घरों में भी रखते हैं, खाने के सामान में भी यूज करते हैं। इसी प्रकार इनको हम अपने जो अपने धन धान्य क्षेत्र है जहाँ पर धन रखते हैं या अपना खाद्यान्न रखते हैं वहाँ पर उनको डाल सकते हैं कि प्रभु हमें उसमें वृद्धि करे, और साथ साथ इन्हें अपने अपने पूजा के स्थान पर भी हम रख सकते हैं। अपने जो पूजा स्थल होता है वहाँ पर पूजा की पूजने चीज है तो वहाँ पर उनको हम रख सकते हैं। देखिए ये एक सर्व हिंदू समाज का एक त्यौहार है। कई वर्षों से लोगों ने प्रतीक्षा की है कि राम मंदिर बनेगा और उसी के उद्देश्य को लेकर लोगों ने अपने मतलब प्राण भी त्यागे हैं। यहाँ बहुत से अभी ऐसे भी हमारे बीच में खड़े हुए हैं जिन्होंने सन 1991 में कार सेवा में भाग लिया था और डंडे लाठियां गोलियां तक खाई थी उन्होंने, और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस दिन को देखने के लिए साक्ष्य खड़े हैं और उसमें प्रतिभागी कर रहे हैं कि जो लोग वंचित रह गए थे उनके लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि आज हमें ये चीज देखने में लगे राम मंदिर तैयार हो रहा है और उसको हम एक त्यौहार के उद्देश्य लेके त्यौहार के रूप में ही मनाना चाहिए। दीपावली से बड़ा उद्देश्य करके इसको मनाना चाहिए।